कॉमन एरर के पार्ट 22 में हम टेंस से संबंधित जो मिस्टेक होता है उसके बारे में बताएंगे। टेंस से ही संबंधित है आपका टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस से संबंधित आपका 19, पार्ट 19, पार्ट 20 और पार्ट 20, पार्ट 21, पार्ट 22 याद रखेंगे। पार्ट 20, पार्ट 21 और पार्ट 22, ये तीनों जो आपका वीडियो है ये टाइम एंड टेंस से संबंधित आपका एरर है। यह लास्ट पार्ट है टेंस का, तो आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी दिक्कत आती है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस डिड ही प्रॉस्पर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन लंदन 20 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डिड आया है, डिड ही प्रॉस्पर, तो यहां पर आप देखें कि सिंस का प्रयोग है, निश्चित टाइम के साथ सिंस का प्रयोग है, तो इसके साथ कभी भी सिंपल पास्ट नहीं आता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपका वाक्य बनता है। तो चूंकि यह डिड जो है पास्ट टेंस बता रहा है, तो यहां पर हैड का प्रयोग करेंगे। तो हैड ही प्रॉस्पर्ड, डिड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अगर डज ही रहता तब यहां पर प्रयोग करते हैज ही प्रॉस्पर्ड प्रेजेंट में, तो चूंकि पास्ट में दिया हुआ है इसलिए यहां पर हम प्रयोग करेंगे हैड ही प्रॉस्पर्ड, मतलब हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसके वजह से हुआ? सिंस के वजह से। फिर से याद रखें, सिंस प्लस टाइम, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम जो आता है, तो उस वाक्य को या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनीता आस्क्ड मी टू लुक एट द ड्रेडफुल लेटर सी हैज गॉट एंड आस्क्ड हाउ सी शुड रिप्लाई टू इट। आपका यह जो पहला वाक्य है ई आर भी है, ये आर भी आपका पास्ट टेंस में है, तो आर भी पास्ट टेंस में है, तो आर एस भी पास्ट में होना चाहिए, सिर्फ इन्वर्सल ट्रुथ को छोड़ करके। चूंकि यह यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक नहीं है इसलिए यहां पर हैज के जगह पर हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, आर भी पास्ट में है तो आर एस भी पास्ट में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड देन आवर जेब्रा। अब देखिए, चूंकि यह वाक डब्ल्यू एस से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव वाक है, तो वेयर इन द वर्ल्ड, तो इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो विल पहले आएगा, यू उसके बाद आएगा, तो सही क्या होगा? विल यू, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक है। वेयर इन द वर्ल्ड विल यू, यू विल नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक में डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं तब सब्जेक्ट आते हैं। तो आपका जो है सो इस फॉर्म में आपका गलती था, यहां पर होना चाहिए विल यू। अगला क्वेश्चन है, शी वाज टू हैव मैरिड माई ब्रदर बट सी हैड बीन किल्ड इन ए प्लेन क्रैश ए मंथ बिफोर द वेडिंग डेट। अब इस वाक को देखिए कि
चूंकि यह वाक्य जो है अनफुलफिल्ड डिजायर हुआ, मतलब वह जो इच्छा थी कि मेरे भाई से वह शादी करने की, वह फुलफिल्ड नहीं हुआ। तो जब फुलफिल्ड नहीं होता है जो इच्छा वाले वाक्य हैं, तो वहां पर वुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाज टू हैव के जगह पर क्या लिखते, वुड हैव। वाज टू हैव के जगह पर वुड हैव का प्रयोग करते हैं जब अनफुलफिल्ड एक्शन हो, क्योंकि तो पहले ही मर गई प्लेन क्रैश में। तो यह इच्छा वाला वाक्य व्यक्त कर रहा है, तो वैसी इच्छा जो फुलफिल नहीं हुई, उस वाक्य को सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 से बनाते हैं। जैसे कहता कहेगा कि इफ आई हैड विंग्स आई वुड हैव फ्लोन टू यू, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो वह जो है सो एक काल्पनिक वाक्य है, वह पूरा नहीं हो सकता है। तो वही बात था इसमें कि यह इच्छा थी मेरे भाई से शादी करने की, लेकिन वह इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अनफुलफिल्ड डिजायर में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है मेन वाक्य में। मेन वाक्य है, यह मेन वाक्य है। एक मेन वाक्य हुआ और एक होता है सबोर्डिनेट वाक्य होता है। तो यह मेन वाक्य है, याद रखेंगे। मेन वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। सी मिस्ड द ट्रेन दैट वी यूजुअली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज ए स्लो ट्रेन। देखिए यह वाक्य पास्ट में है, वी मिस द ट्रेन, हम लोग वह मिस ट्रेन मिस कर गए, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हम लोग यूजुअली, यहाँ आदत का बोध करा रहा है तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव में आया। वी यूजुअली कैच, जो हम जो है सो हमें यूजुअली जो है उसको हम पकड़ते हैं, वह ट्रेन छूट गई। तब क्या किया, पास्ट एक्शन है, तब क्या किया, वी हैव टू, तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए, पास्ट की बात है। तो पास्ट की बात है तो यहाँ पर हैव के जगह पर हैड का प्रयोग करेंगे। वी मिस द ट्रेन, ये पहला वाक्य था जो पास्ट में था। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया क्योंकि यूजुअली लगा हुआ है, आदत का बोध करा रहा है, तो आदत को सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। लेकिन इसी वाक्य को हम आगे बढ़ाए एंड से जोड़ करके, तो एंड से सीधा वाक्य यह जुट रहा है, वी मिस द ट्रेन एंड मिस ट्रेन, हम मिस कर गए तो हमको क्या करना पड़ा, ट्रेवल करना पड़ा नेक्स्ट, ट्रेवल बाय द नेक्स्ट मतलब अगले ट्रेन से, विच वाज ए स्लो ट्रेन, जो कि स्लो ट्रेन थी। तो यह एक्शन पास्ट में इससे जुड़ रहा है एंड से, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा बल्कि हैड का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे बीता हुआ समय है, व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज ही पनिशेस देम। यस्टरडे बीता हुआ समय है वाक्य में, तो बीता हुआ है तो यहां पर हम पनिशेज नहीं करेंगे बल्कि पनिश्ड करेंगे। मेन जो वाक्य है आपका पास्ट में है, तो पास्ट में है तो यहां पर पास्ट होगा तो पनिश्ड होना चाहिए। यही देखना पड़ता है इसमें कि यदि एक वाक्य पास्ट में है तो वह वाक्य हमेशा पास्ट में ही रहना चाहिए। हार्डली हैज मोनिका फिनिश द टाइपिंग वेन, देखिए हार्डली के साथ वेन आता है या बिफोर आता है, स्कार्सली के साथ भी वेन या बिफोर आता है। तो हार्डली और स्कार्सली वाला वाक्य हमेशा जो है वो पास्ट परफेक्ट में, हार्डली वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और वेन वाला वाक्य सिंपल पास्ट में। उसी तरह से स्कार्सली वाला वाक्य भी पास्ट परफेक्ट में, स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर आता है तो उसके बाद आने वाला वाक्य सिंपल पास्ट में। दिमाग में याद रखें, हार्डली वेन स्कार्सली वेन, तो हार्डली या स्कार्सली के साथ जो वाक्य आएगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा
और वेन या बिफोर के बाद जो वाक्य आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर हैज नहीं होगा बल्कि हैड आना चाहिए। यहाँ पर हैज के जगह पर हैड आना चाहिए। अब वेन के बाद देखिए पास्ट निफिट है, ठीक है, तो हार्डली हैड मोनिका फिनिश द टाइपिंग वेन द मैनेजर इंटर द रूम विथ सम मोर वर्क, ठीक है। जया वाज अनहैप्पी अबाउट द रिजल्ट्स, पास्ट में है, वाक्य देख लीजिए, जो रिजल्ट था उससे जया अनहैप्पी थी। ऑफ द डिस्कशन, जो डिस्कशन जो था, सी हैज विथ राधा, देखिए यह पास्ट में वाक्य है और यह जो वाक्य है सी हैज विथ राधा, ये पास्ट का भी पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट जब हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो पास्ट का पास्ट क्या है से देखिए उसका मतलब समझिए कि जया जो है अनहैप्पी थी रिजल्ट से, जो डिस्कशन हुआ था उस रिजल्ट से जो राधा के साथ उसका हुआ था, जो यार पहले हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आया उससे जया अनहैप्पी थी। इसका मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि दो कार्य समाप्त होता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में समाप्त होता है वो सिंपल पास्ट में हो जाता है। तो ये तो पास्ट है, तो देखिए पास्ट निफिट में है, जया वाज अनहैप्पी पास्ट निफिट में है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव पास्ट निफिट में है, होना क्रिया है, तो ये जो समाप्त हुआ ये तो बाद में समाप्त हुआ, लेकिन पहले कौन समाप्त हुआ था उससे भी पास्ट, जो पास्ट में कार्य समाप्त हो, ध्यान देंगे जो पास्ट में कार्य समाप्त हो सिंपल पास्ट, और उसके पास्ट में भी जो समाप्त हो उसको पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट 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 इनफिनिट में, और पास्ट का भी जो पास्ट होता है उससे पहले जो समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर हैज नहीं होना चाहिए, हैड होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इसका भी यह पास्ट है, इस कार से भी पहले ही समाप्त हुआ है। आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स राहुल डिसाइड्स टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। देखिए आफ्टर लुकिंग थ्रू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स, ये पास्ट का वाक्य है, आफ्टर लुकिंग मतलब देख लिया पहले उसके बाद, तो ये पास्ट का वाक्य है, इसलिए यहां पर डिसाइड्स नहीं होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। इसे आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, मतलब तो खा लिया, इसका मतलब है कि पास्ट में वाक्य है, वो काज पूरा होगा, वो काज पूरा हो गया इसके बाद क्या हुआ, तो इसका मतलब कि वाक्य पास्ट में है, इसलिए यहां पर डिसाइड्स नहीं होगा बल्कि डिसाइडेड होगा। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद, मतलब पढ़ा लिया, पास्ट में है, पढ़ाने के बाद, आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद ही रिटर्न्ड होम, ऐसा नहीं कि ही रिटर्न्स होम, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट है, वाक पास्ट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डिसाइड्स के जगह पर डिसाइडेड का प्रयोग करेंगे। अगला है, प्रिया विशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर सी वेंट टू द ऑफिस। देखिए प्रिया विशेज ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए वह अति कर लेती है, अपना चाह क्या उसकी चाहत है कि क्लोथ और क्लोथ को, मतलब वासेज है, सॉरी वासेज, ऑल हर क्लोथ्स, अपने क्लोथ को क्या करती है, साफ कर लेती है, एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए खाना तैयार कर लेती है, बिफोर सी वेंट टू द ऑफिस, तो इसका तो यह बता रहा है क्या, इसका जो है सो रूटीन है, दैनिक रूटीन है, दैनिक रूटीन को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, यहाँ पर वेंट नहीं होगा बल्कि सी के अनुसार गोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द गर्ल्स आर सीटिंग इन साइड एंड टॉकिंग लाउडली एंड टॉक्ड लाउडली। देखिए वाक्य को, लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं बाहर, आउटसाइड द हाउस घर के बाहर, जबकि गर्ल्स आर सीटिंग इन साइड, गर्ल्स क्या कर रही है, बैठी हुई है इन साइड घर के अंदर, और क्या कर रही है, जोर से बातचीत कर रही है। तो एंड से जब जुड़ा हुआ दो वर्ब आप देख रहे हैं सीटिंग, तो एंड के बाद जो वाक्य में जो वर्ब आ रहा है तो उसका हेल्पिंग वर्ब तो यही ना है, इज आर एम, तो आर है, तो आर के अनुसार ही बी फोर हुआ, इनसाइड एंड से जुड़ रहा है, मतलब यही इसका सब्जेक्ट वर्ब है, द गर्ल्स आर, यही यहां पर इसका सब्जेक्ट वर्ब है, तो आर है तो बी फोर होना चाहिए, टॉकिंग नहीं होना चाहिए बल्कि टॉक्ड होना, टॉकिंग होना चाहिए, बी फोर रूप में आना चाहिए टॉकिंग। अब जैसे कहेंगे ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, एंड थिंकिंग समथिंग, और कुछ सोच रहा था, और वहां पर लिख देंगे एंड थॉट तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेंट, सेंट मीन्स साधु, द सेंट दैट टाइम मतलब उस समय, मतलब कार्य समाप्त हो गया, मतलब पास्ट का टाइम है, दैट टाइम उस समय साधु, तो यहां पर बीता हुआ टाइम है दैट टाइम, तो बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव्ड होगा, क्योंकि पास्ट टाइम है दैट टाइम, तो दैट टाइम से बीते हुए समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर बिलीव्स नहीं होगा बल्कि बिलीव्ड होगा। तो द सेंट दैट टाइम बिलीव्ड, बिलीव्ड दैट इट वॉज हिज मिशन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड टू ऑल। ठीक है, तो टाइम देखना पड़ता है, टाइम आप पकड़ लेंगे तो समझ में आ जाता है। द प्रिंसिपल हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द कंप्लायंट। जब तक प्रिंसिपल जो है शिकायत को नहीं पढ़ लिए, प्रिंसिपल ने कोई अपना डिसीजन नहीं दिया, तो पहला कौन काम किया, पहला काम किया कि उन्होंने स्टडी किया कंप्लेंट का, तो पहला काम है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में है। तब दूसरा काम कहां होना चाहिए, पहला दो कार्य समाप्त हो गए हैं भूतकाल में, तो जो पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, तो ठीक है, लेकिन दूसरा कार्य कहां होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, तो यहां हैड नॉट नहीं होना चाहिए, हैड नॉट गिवन नहीं होना चाहिए, डिड नॉट होना चाहिए, पास्ट निफिट में डिड नॉट लिखेंगे तो गिव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड के बाद भर फर्स्ट फॉर्म में, तो यहां पर हैड नॉट गिवन के जगह पर डिड नॉट गिव होगा। यह आपका नियम आपको याद होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था या डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, यही नियम इसमें चल रहा है कि भूतकाल में जब दो कार्य समाप्त हो गए हो तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में समाप्त हुआ उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। आगे देखते हैं, दैट फाइव एंड फाइव ऑलवेज मेड टेन, तो पांच और पांच दस तो होते ही हैं, यह तो सत्य कथन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य को सिंपल पास्ट में कैसे बना सकते हैं, नियम बनाए हुए हैं कि यदि सत्य कथन है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य है, तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, इसलिए यहां पर मेड के जगह पर मेक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन दैट दे शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। आप देख लीजिए यहां पर द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इफ इट रेन्स कैसे होगा, पास्ट में है तो इफ इट रेन्ड होगा, यहां पर रेन्स के जगह पर रेन्ड, क्योंकि वाक्य जो है पास्ट में है, तो इफ इट रेन्स, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करना होगा। अगला देखिए, वी हैव बीन नोविंग हर फॉर फाइव ईयर्स बट वी डू नॉट नो वेयर सी लिव्स। आप देखिए, तो
नो कैसा वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। अंडरस्टैंड, नो, लाइक, डिसलाइक, लव, ये सब, वांट, विश, हेट, लव, यह सब कैसा वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव, अर्थात उसका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है। जब टाइम दिए हुए है, टाइम दिए हुए है, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, तो यदि वाक्य में सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हो और उसमें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। तो क्या करेंगे? वी हैव नोन, वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट में है जे प्लस बी थ्री, तो वी हैव नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। तो ये रूल है कि यदि वाक्य में फॉर प्लस टाइम या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो और उसमें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब जिस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तो उस स्थिति में उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। इसलिए सही आंसर हुआ वी हैव नोन हर फॉर फाइव ईयर्स, बाकी ठीक है। नवनीत वाज ड्राइविंग स्लोली डाउन द हाईवे व्हेन ए कैट रन्स अक्रॉस एंड ही हैड टू ब्रेक ऑल ऑफ ए सडन। अब देखिए, तो यहां पर वाज ड्राइविंग पास्ट में, पास्ट की बात है, तो यहां पर एक कैट रन्स कैसे होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट में कैसे वाक आ सकता है? यहां पर रन्स के जगह पर रैन का प्रयोग करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा? रैन, ए कैट रैन। नवनीत ड्राइविंग कर रहा था धीरे धीरे, कहां? हाईवे से नीचे उतर रहा था, तो जब एक कैट रोड पार किया तो क्या करना पड़ा? ही हैड टू ब्रेक, उसको ब्रेक लेना पड़ा, हैड टू प्लस भी वन, कोई काम करना पड़ा तो उसको ब्रेक लेना पड़ा, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, मूल वाक्य को देखेंगे, मेन वाक्य को कौन टेंस में है, पास्ट में है तो वाक्य को पास्ट में रखेंगे, सिर्फ इन्वर्सल ट्रूथ वाले वाक्य को छोड़ करके, इन्वर्सल ट्रूथ वाले वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से आपका पार्ट 22 जो है समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे कि टाइम एंड टेंस से संबंधित तीन पार्ट का वीडियो आप देखेंगे, 20, 21 और 22, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने छोटे छोटे कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।